हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक तो वीडियो कॉन का टीवी है, ये है जो रिपेयरिंग के लिए आया है ना। और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको कस्टमर ने बोला है कि इसमें लाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सब साउंड ओके है। तो हम लोग इसको पहले चेक कर लेते हैं कि है क्या प्रॉब्लम इसमें। तो थोड़ा सा लाइट को जला लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको डालते हैं लाइट में। तो उसके लिए थोड़ा सा दोस्तों इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वायर है वो शायद छोटा पड़ गया। चलिए आ जाएगा, है ना। तो ये इसका मेन वायर है, देख पा रहे हैं। अब इसको डालते हैं दोस्तों लाइट में। ठीक है, इसका LED देख सकते हैं यहाँ पर जलने लगा। और इसको स्टैंड बाई से हटाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या आता है इसमें, ये देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसमें वर्टिकल लाइन आ रहा है ना, ये लाइन। और इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसकी जो है चौड़ाई से संबंधित है ना, चौड़ाई से संबंधित प्रॉब्लम है, यानी कि लंबाई से संबंधित। इधर तो आपका पूरा आ जा रहा है, तो इसका ऊपर की ओर और नीचे की ओर कट रहा है। तो इसको हम लोग वर्टिकल सेक्शन को चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो इसको मैं खोलता हूँ, तब तक थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, फिर खोलने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें कहाँ कहाँ पे कितना वोल्ट चेक करना है और क्या चीज़ चेक करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए खोलते हैं, इसके बैक कवर को ओपन करते हैं। तो उससे पहले मैं इसको निकाल देता हूँ, है ना। तो स्टॉप करता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों मैं इसका बैक कवर जो है इसको निकाल दिया हूँ, आप देख पा रहे हैं। और हमको स्टेज बाय स्टेज चेक करना है, जैसे कि मैं दोस्तों इसको जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ, मैं सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, वर्टिकल सेक्शन ही है ना। वर्टिकल IC यहाँ पे लगा है। और इसमें अपने को सबसे पहले कैपेसिटर को देखना है, कैपेसिटर कोई ख़राब वगैरह तो नहीं है, है ना दोस्तों। तो कैपेसिटर नहीं दिख रहा है कोई ख़राब, तो इसके जो है डिगोजिंग कॉइल इसको निकालते हैं। उसके बाद बाकी तो सब इसी में दिया है। और स्पीकर का इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो वायर है उसको भी छुड़ा लेते हैं, ताकि पलटने में हम लोग को आसानी जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको पलट देते हैं। पलट दिए दोस्तों, तो अब इसको हम लोग ऑन करेंगे, है ना। और ये अपना मीटर रहा, है ना, मैं आज भी इसी मीटर का यूज करता हूँ। तो इसके एक जो पिन है दोस्तों, इसको हम लोग नेगेटिव वाले को ग्राउंड में डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दिए। और उधर से तो कैपेसिटर हम लोग को दिखा नहीं, तो अब इसको डालते हैं लाइट में, देख पा रहे हैं मेन। ठीक है दोस्तों, इसका LED यहाँ पे जलने लगा। और इसको स्टैंड वाइज से हटाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार सामने की ओर जाके देखते हैं, फिर से देख सकते हैं वही प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें। और यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज चेक करना है दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पे जो देख सकते हैं, ये वर्टिकल IC है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज चेक करना है ना। तो वोल्टेज चेक करना है दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ पे प्लस वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आता है आपका 50 से हो गया 10-20 वोल्ट के आसपास। ठीक है, कि यहाँ भी आ रहा है वोल्ट, और यहाँ पे आता है माइनस वोल्ट, ये भी आ रहा है, यानी कि सभी वोल्ट सही है दोस्तों। और दूसरा कि इसको हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, जैसे कि ये IC को टच करेंगे, है ना। टच करने से इस टाइप से टच करते हैं और सामने की ओर देखते हैं, ब्लिंकिंग करना चाहिए। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये देखिए, और सामने की ओर देखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है दोस्तों, ये देखिए, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैं इसको टच कर रहा हूँ
और आपका लाइनिंग ऊपर नीचे हो या तो फैलते हुए दिखाई दे तो आपका ऐसे सही है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आई सप्लाई भी सही आ रहा है और पिक्चर टच करने पे भी हिल भी नहीं रहा है, फैल भी नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो आईसी यहाँ पे वर्टिकल आईसी, इसको चेंज करेंगे है ना। तो मैं इसको फटाफट चेंज करता हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि सही होता है कि नहीं। तो चेंज करता हूँ मेरा अपना आयरन, ठीक है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों कि इसमें एक हाथ से कैमरा को पकड़ा हूँ, जैसे कि मोबाइल को, मोबाइल से शूट हो रहा है, और दूसरे हाथ से निकालने में दिक्कत जा रहा है। तो थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, उसके बाद चेंज करेंगे। उसके बाद चेंज करने से पहले मैं आप लोगों को पुराना वाला को निकाल के दिखाऊंगा और साथ में नया वाला को भी दिखाऊंगा, उसके बाद चेंज करूंगा। तो निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसे ही इसके जो देख पा रहे हैं ऐसे इसको निकाला नहीं हूँ, तो इसके जो जो मैं अभी जो काम किया वो देख सकते हैं। इसके जो है सोल्ड वगैरह उसको छुड़ाया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं डिसोल्ड वायर से, इस डिसोल्ड वायर से मैं छुड़ाया इसको। और जैसे ही मैंने इसको निकालने का प्रयास किया इधर की ओर से, सामने की ओर से, इधर से है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये डायरेक्ट मेरे को फटा हुआ दिखाई दिया। देख पा रहे हैं जो वर्टिकल आईसी जो है दोस्तों फट चुका है, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये देखिए ये फट चुका है ना, देख पा रहे हैं फट चुका है। तो हम लोग आईसी को चेंज करेंगे दोस्तों, उसके बाद ठीक हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आईसी फट गया है, वर्टिकल सेक्शन में उसका फॉल्ट था, और आईसी चेंज करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये ठीक होता है कि नहीं। तो चेंज करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो पुराना वाला लगा हुआ था इसमें, जो ये देख सकते हैं ये वाला है जो बुरी तरह से यहाँ से फट चुका है ना। इसका नंबर का तो कोई अता पता नहीं है दोस्तों, और पता भी नहीं चला कि कितना नंबर का इसमें लगा था है ना। तो मैं अक्सर दोस्तों वर्टिकल जो आईसी के जगह में 78 जो यूज अक्सर जो यूज करता हूँ वाला है, ये है ना, तो ये वाला है 78141, ठीक है दोस्तों 78141, कोई सा भी किट हो मैं सभी में इसी को यूज करता हूँ और ये वाला सक्सेस होता है ना। बाकी आप कौन सा यूज करते हैं ज़रूर बताइएगा। यदि मान लीजिए दोस्तों ये चाइना का रहा, लोकल किट रहा, तो इसमें 78040 भी लगाते हैं है ना, पर मैं अक्सर 141 ही लगाता हूँ। तो इसको लगाते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों जो वर्टिकल आईसी था इसमें जो लगा था, आप देख पा रहे हैं इसको मैं चेंज कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं अभी सोल्ड किया हूँ। और आप लोग भी इसी तरह से सोल्ड करें दोस्तों, ताकि एक दूसरे से टच ना हो। और इधर से आप लोगों को दिखा दूँगा जो नया आईसी डाले हैं वो वाला, ये देख पा रहे हैं ठीक है, न्यू आईसी है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये रहा इसका मेन वायर देख पा रहे हैं, इसको डालते हैं लाइट में ठीक है, एलईडी जलने लगा, इसको स्टैंड वाइज से हटाते हैं। चलो चलते हैं सामने की ओर से और आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन तो फुल आ गया है, पर इसमें रेनबो कलर आ रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको चेक करेंगे अब है ना। हो सकता है कि वर्टिकल आईसी की वजह से ही हो, क्योंकि नया मैं डाला था, शायद उसमें भी फॉल्ट हो सकता है, और हो सकता है कि इसके जो सप्लाई वगैरह हैं उनमें में से भी दिक्कत आ सकता है, जो इनके जो सप्लाई हैं आप देख पा रहे हैं वर्टिकल के पिनों में कहीं पे सप्लाई मिस्टेक होगा, उसकी वजह से हो सकता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके जो रेनबो कलर के जो फॉल्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। देख पा रहे हैं इस टाइप से ये वर्टिकल सेक्शन का ही फॉल्ट होता है दोस्तों। तो ये कहाँ से आ रहा है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।